जय श्री कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑफ इंग्लिश कैलेंडर दैट इज 2023। सर्वप्रथम मैं आप सभी को अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप लोगों ने सोचा होगा कि हम नया वर्ष किस प्रकार मनाएंगे। आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अवश्य सोचा होगा कि नव वर्ष पर, नए साल पर हम क्या क्या करेंगे। हम लोग बहुत से रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि पूरा साल इन्हीं के ऊपर काम करेंगे और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। और बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि नया साल हम पूरी धूमधाम से मनाएंगे। किस प्रकार की धूमधाम? पार्टीज करेंगे, पब्स में जाएंगे, क्लब्स में जाएंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को हर तरीके से। परंतु आप सभी लोगों ने बचपन में अपने माता पिता से यह अवश्य सुना होगा कि बेटा, जो भी आप नए साल में करेंगे वही पूरा साल भर करेंगे। माता पिता अपने बच्चों को इसी प्रकार के संस्कार देते थे कि बेटा, सुबह जल्दी उठो, मंदिर जाओ, स्नान आदि से निवृत्त हो, सब कार्य अच्छे से करो ताकि साल भर आपका इसी प्रकार व्यतीत हो। परंतु ना जाने हमारी संस्कृति में क्या होता जा रहा है, लोग इन चीजों को, इन सभ्यताओं को भूलते जा रहे हैं। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो जा रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, परंतु अपने संस्कार पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और देखा जाए तो विदेश के लोग हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है वह हमें नहीं भूलनी चाहिए। नए साल पर हमारा यह रेजोल्यूशन होना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उन्हें अच्छी से अच्छी बातें सिखाएं, सर्वप्रथम उठते ही माता पिता के चरण स्पर्श करवाएं, उनसे प्रभु नाम का स्मरण करवाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो, मंदिर भेजें। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर अवश्य मंदिर होगा, वहां पर प्रभु का धन्यवाद करवाइए। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने बच्चों में अभी से डालनी शुरू करेंगे तो आगे जाकर आप पाएंगे कि आपका बच्चा किस प्रकार अपनी संस्कृति में आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं हो रही है। नए साल में पार्टीज करें, सब कुछ करें। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि एंजॉय करना छोड़ दीजिए, मौज मस्ती ना कीजिए, सब कुछ कीजिए। परंतु सर्वप्रथम जिस ईश्वर ने हमें यह मानव शरीर दिया है, हमें उसका हाथ जोड़कर, नतमस्तक होकर नमन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, पूरा पिछला साल तुमने अच्छे से व्यतीत करवाया और अगला नया साल जो दिन चढ़ रहा है उसमें भी मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इसी प्रकार सदैव आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, इसी प्रकार आपका और हमारा साथ यूं ही आगे बरकरार रहे। इस साल में ये रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हमारी संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है वह संस्कृति विलुप्त ना हो। बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाइए, बच्चों को धर्म के साथ साथ इंसानियत भी सिखाइए कि इंसानियत के नाते हमें क्या क्या करना चाहिए। जब यह सब अच्छे संस्कार हम अपने बच्चों में भरेंगे और स्वयं भी उन पर चलने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि दिन कितना अच्छा होता जा रहा है, हमारा प्रभु की तरफ कितना ध्यान जाता जा रहा है, हमें शांति महसूस होगी, आंतरिक खुशी महसूस होगी। और यह आंतरिक खुशी अगर आप चाहते हहैं तो नए वर्ष में यही प्रण लीजिए कि स्वयं के साथ साथ अपने बच्चों में, आसपास के लोगों में, पास पड़ोसियों में जो संस्कार विलुप्त हो चुके हैं उन्हें फिर से दोहराएंगे और उन्हें इस प्रकार मन में, जहन में, चित्त में इस प्रकार भर लेंगे कि वे चाहकर भी हमसे दूर ना जा पाए। इन छोटी छोटी चीजों से हमारा नव वर्ष अत्यधिक शुभ और लाभकारी होगा। जय श्री कृष्णा। और एक बार फिर से मैं आपको अंग्रेजी कैलेंडर के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद।